दोस्तों फ्री फायर के अंदर अगर कोई सबसे टफेस्ट रोल है तो भाई वो है रसिंग का रोल, क्योंकि इसके अंदर हमें शॉर्ट रेंज के अंदर घुसना पड़ता है, और शॉर्ट रेंज के अंदर जब भी हम लोग जाते हैं तो भाई वहां पर जो सिचुएशन है वो 50-50 का हो जाता है कि या तो आप जीतोगे या तो एनिमी जीतेगा। बट वहीं अगर आप लोग रस करने के लिए अपने कॉम्बिनेशन के अंदर बेस्ट कैरेक्टर्स को यूज कर लोगे तो इससे आपका जो 50-50 सिचुएशन है ना उसको आप लोग अपने फेवर में ले सकते हो, और किसी भी शॉर्ट रेंज फाइट को आप लोग बहुत ही आसानी से अपने दम पे निकाल सकते हो। इसीलिए आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं रस करने के लिए 4 बेस्ट कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं, जो कि ना सिर्फ अभी बल्कि अपडेट के बाद भी काफी यूजफुल कॉम्बिनेशन होने वाला है, जिसको आप लोग हमेशा रस करने के लिए यूज कर सकते हो और इसका बेनिफिट आपको हमेशा मिलेगा। बट कॉम्बिनेशंस को स्टार्ट करने से पहले प्लीज यार वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर देना। अभी चैनल पे स्ट्राइक आया था तो रीच काफी डाउन हो चुका है, तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट कर देना। बाकी अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो भाई चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, सो आज का जो हमारा पहला कॉम्बिनेशन है उसके अंदर आपको सबसे पहले एक्टिव स्लॉट में आप लोग क्रोनो या फिर आलोक, इन दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो। अगर आप लोग क्रोनो को यूज करते हो तो आपको एक सील्ड मिल जाएगा, और वहीं अगर आप लोग आलोक को यूज करते हो तो आपको मूवमेंट स्पीड और एचपी रिकवर दोनों मिल जाएगा। तो इन दोनों में से आप लोग किसी भी कैरेक्टर को अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। अगर आपको क्रोनो यूज करना पसंद है तो आप लोग क्रोनो को यूज करना, वहीं अगर आपको आलोक यूज करना पसंद है तो आप लोग आलोक को यूज कर लेना। बट इसके बाद आपको अगले स्लॉट के अंदर यूज करना है केली की एबिलिटी को, जिससे कि आपको कॉन्स्टेंटली 6% का स्प्रिंटिंग स्पीड मिलेगा, जो कि आपको रसिंग के अंदर काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। क्योंकि जब भी आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर रस करने जाओगे वहां पर आपको एनिमी को मारना भी होता है और एनिमी को डॉज भी करना होता है, और दोनों ही के लिए जो केली की एबिलिटी है वो आपके हमेशा काम आएगा। और इसके अलावा आखिरी के 2 स्लॉट्स के अंदर आपको यूज करना है लूना और हयातो की एबिलिटी को। अब जैसा आपको मैंने बताया कि भाई शॉर्ट रेंज के अंदर आपको डॉज भी करना होता है और फाइट भी करना पड़ता है, अब यहां पर जो केली है वो सिर्फ आपको स्प्रिंटिंग स्पीड प्रोवाइड करेगी, लेकिन जब भी आप लोग फाइट करोगे तो वहां पर फाइट को इजिली निकालने के लिए यहां पर जो लूना और हयातो है वो काम आएंगे। बेसिकली अगर आप लोग लूना और हयातो को साथ में यूज करोगे तो लूना आपके गन के रेट ऑफ फायर को इंक्रीज कर देती है, साथ में आपको थोड़ा बहुत मूवमेंट स्पीड भी प्रोवाइड करती है, जो कि शॉर्ट रेंज के अंदर काफी यूजफुल होता है। और वहीं जो हयातो है वो आपके आर्मर पेनिट्रेशन को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि जब भी आप लोग एनिमी के ऊपर डैमेज दोगे तो एनिमी के ऊपर ज्यादा डैमेज पड़ेगा, और साथ ही में जब एनिमी आपको सामने से डैमेज देगा तो आपके ऊपर 3% डैमेज कम भी पड़ेगा। तो अगर आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर रस करने जाओगे तो वहां पर ये जो कॉम्बिनेशन है वो आपको स्पीड, रेट ऑफ फायर और आर्मर पेनिट्रेशन तीनों ही चीज प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर घुसकर एनिमीज को फोड़ कर आ सकते हो और वो आपको बस देखते रह जाएंगे। अब इसके बाद जो अगला कॉम्बिनेशन है वो होने वाला है वुकोंग लवर्स के लिए, मतलब कि अगर आप लोग शॉर्ट रेंज में रस करने के लिए वुकोंग यूज करते हो तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। यहां पर आपको ऑब्वियसली एक्टिव स्लॉट में वुकोंग को यूज करना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद आपको अगले स्लॉट के अंदर यूज करना है जोसेफ की एबिलिटी को, जिससे कि आपका मूवमेंट स्पीड भी इंक्रीज होगा और साथ में आपके ऊपर A1, 2, 4, होमर, राइडन इनका एबिलिटी काम भी नहीं करेगा। स्पेशली अगर आप लोग क्लैश स्क्वाड खेलते हो तो भाई वहां पर काफी सारे बंदे होमर, राइडन, A1, 2, 4 और ओथो की एबिलिटी को यूज करते हैं, जिससे कि आपका जो मूवमेंट स्पीड है वो स्टक हो जाता है और आप लोग सही से गेम प्ले नहीं कर पाते, सही से आप लोग रस नहीं कर पाते। वैसे सिचुएशन को टैकल करने के लिए यहां पर जो जोसेफ एबिलिटी है ना वो आपके काफी काम आने वाला है। बाकी इसके अलावा आपको अगले स्लॉट के अंदर यूज करना है वुल्फरा की एबिलिटी को, जो कि आपका रस एंड डिफेंस दोनों करवा देगा। स्पेशली अगर आपको अच्छे से ड्रैग हेडशॉट या फिर अच्छे से वन टैप हेडशॉट मारना आता है तो यहां पर जो वुल्फरा की एबिलिटी है ना वो आपके काफी काम आने वाला है, क्योंकि जब भी आप लोग किसी एनिमी को हेडशॉट मारोगे तो उसके हेड के ऊपर काफी ज्यादा डैमेज पड़ेगा, और वहीं जब एनिमी आपको हेडशॉट मारेगा तो आपके ऊपर कम डैमेज पड़ेगा, जिससे कि आप तो सर्वाइव कर जाओगे लेकिन जब आप हेडशॉट मारोगे तो एनिमी का बचना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो जाएगा। और एट द एंड लास्ट वाले स्लॉट के अंदर आपके पास ऑप्शन है, आप लोग चाहो तो डीबी को भी यूज कर सकते हो, जो कि आपके एक्यूरेसी को और मूवमेंट स्पीड को इंक्रीज कर देता है, जो कि आप लोग जॉयस्टिक से करते हो। और इसके अलावा एक और ऑप्शन है जो कि है लूना का, जो कि आपके गन के रेट ऑफ फायर को इंक्रीज कर देती है। अब आपको पता है कि भाई फ्री फायर के अंदर जो गन के अंदर रेट ऑफ फायर ज्यादा होता है उस गन से हेडशॉट काफी इजीली कनेक्ट हो जाता है, तो अगर आप लोग लूना को यूज करोगे तो ये हर गन के रेट ऑफ फायर को इंक्रीज कर देगी, जिससे कि आप लोग हर गन से काफी इजीली हेडशॉट कनेक्ट कर पाओगे। तो अगर आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर फाइट करते टाइम ऐसे जॉयस्टिक का यूज करके मूवमेंट करते करते फायरिंग करते हो तो आप लोग डेफिनेटली डीबी को यूज कर सकते हो, इससे आपका एक्यूरेसी और मूवमेंट स्पीड दोनों ही इंक्रीज हो जाएगा। और वहीं अगर आप लोग जॉयस्टिक का यूज कम करते हो तो आप लोग लूना को यूज कर लेना। बाकी वुकोंग के बारे में तो आपको पता ही होगा कि भाई शॉर्ट रेंज के अंदर आप इससे कैसे कैसे क्लचेस निकाल सकते हो, और साथ में अगर आप लोग ये वाला कॉम्बिनेशन यूज कर लोगे तो भाई लिटरली आपको मजा ही आ जाएगा। ओके, सो इसके बाद जो अगला कॉम्बिनेशन है उसका बेनिफिट आपको अपडेट से पहले तो काफी बढ़िया मिलेगा, लेकिन अपडेट के बाद थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको एक्टिव स्लॉट में यूज करना है तस्वीर की एबिलिटी को, जिसकी एबिलिटी अपडेट के बाद थोड़ा सा नर्फ होने वाला है, इसका जो कूल डाउन टाइम है वो अपडेट के बाद बढ़ने वाला है, इसीलिए आप इसको अपडेट के बाद थोड़ा कम टाइम यूज कर पाओगे, लेकिन अगर आप लोग साथ में रॉकी पैड को यूज कर लोगे तो वो रिकवर हो जाएगा। बट डोंट वरी, अगर आप लोग इसके साथ एक बेस्ट कॉम्बिनेशन को यूज करोगे तो ये आपको अभी भी काम आएगा और तब भी काम आएगा, तो इसलिए आपको अगले स्लॉट के अंदर यूज करना है एंड्रू की एबिलिटी को, जो कि आपके आर्मर के ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि आपके वेस्ट के ऊपर काफी कम डैमेज पड़ता है, जिससे इनडायरेक्टली आपके ऊपर भी कम डैमेज पड़ता है। और साथ में अगले स्लॉट के अंदर आपको यूज करना है हयातो की एबिलिटी को, जिससे कि आपको दो बेनिफिट मिलेगा, एक तो आपके ऊपर 3% डैमेज कम पड़ेगा, वहीं जब
आप एनिमी के ऊपर डैमेज दोगे तो एनिमी के हेलमेट और वेस्ट के ऊपर ज्यादा डैमेज पड़ेगा, जिससे कि इनडायरेक्टली उसके ऊपर भी ज्यादा डैमेज पड़ेगा। मतलब कि अगर आप लोग एंड्रयू और हयातो को साथ में यूज करोगे तो आपके वेस्ट के ऊपर तो कम डैमेज पड़ेगा, लेकिन जब आप एनिमी के ऊपर डैमेज दोगे तो एनिमी के हेलमेट और वेस्ट के ऊपर ज्यादा डैमेज पड़ेगा, यानी कि इनडायरेक्टली उसके ऊपर भी ज्यादा डैमेज पड़ेगा। और एट द एंड लास्ट वाले स्लॉट के अंदर आपको यूज करना है जेबीब्स के एबिलिटी को, जो कि ईपी का यूज करके आपके ऊपर आने वाले डैमेज को 12% ब्लॉक करता है। मतलब कि आपके ऊपर 12% डैमेज कम पड़ेगा, यानी कि एनिमी जब भी आपके ऊपर डैमेज देगा तो आपको ऑलमोस्ट हाफ डैमेज पड़ेगा, और वहीं जब आप डैमेज दोगे तो भाई एनिमी पलक झपकते ही डाउन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको साथ में तस्वीर का भी एबिलिटी मिल जाता है, जिससे कि आप लोग एनिमीज के ऊपर इंस्टेंटली रस भी कर सकते हो और साथ में आप लोग एनिमीज के ऊपर सरप्राइज अटैक भी दे सकते हो। बाकी इस कॉम्बिनेशन के मैक्सिमम बेनिफिट को उठाने के लिए आप इसको स्क्वाड के अंदर यूज करना और सभी टीममेट के पास एलीट एंड्रयू की एबिलिटी को रखना, जिससे कि आपको और बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। और इसको आप लोग बैटल रॉयल और क्लैश स्क्वाड दोनों ही मोड के अंदर रसिंग के लिए यूज कर सकते हो। अब इसके बाद जो आज का हमारा आखिरी कॉम्बिनेशन है, वो अभी के टाइम पे क्लैश स्क्वाड मोड के लिए मेरा फेवरेट रसिंग कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर आपको एक्टिव स्लॉट में यूज करना है ओरियन की एबिलिटी को, जिसका एबिलिटी अपडेट के बाद शायद चेंज हो सकता है। अगर आपको जानना है कि क्या चेंजेस आने वाले हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग चेकआउट कर लेना। बाकी इसके अलावा ऑब्वियसली आप लोग ओरियन को यूज कर रहे हो तो आपको मेगुल को यूज करना ही पड़ेगा, जिससे जैसे आप लोग किसी एनिमी को डाउन करोगे तुरंत आपको 200 ईपी मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग ओरियन की एबिलिटी को फिर से एक्टिवेट कर पाओगे। बाकी इसके अलावा अगले स्लॉट के अंदर आप लोग जय या फिर ओथो, इन दोनों में से किसी भी कैरेक्टर को यूज कर सकते हो, जहां पर जो जय है वो एनिमी को डाउन करने के बदले या फिर एक्टिव स्किल को ऑन करने के बदले आपका जो गन है उसको 100% रिलोड कर देता है, जिससे कि आपको गन को रिलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है शॉर्ट रेंज के अंदर। और वहीं जो ओथो है उससे होगा ये कि जब भी आप लोग किसी एनिमी को डाउन करोगे तो उसके आसपास और कोई भी एनिमी होगा तो भाई उसके ऊपर मार्किंग आ जाएगा, साथ में उनका मूवमेंट स्पीड भी स्लो हो जाएगा, जिससे कि आप लोग एक एनिमी को मारने के बाद दूसरे एनिमी को भी काफी इजिली मार सकते हो। बट भले आप लोग ओथो यूज करो या फिर जय यूज करो, आपको अगले स्लॉट के अंदर लूना को जरूर यूज करना है, जिससे होगा ये कि आपके गन का रेट ऑफ फायर इंक्रीज हो जाएगा। तो जब भी आप लोग एनिमी के ऊपर फायरिंग करोगे तो ज्यादा रेट ऑफ फायर होने की वजह से एनिमीज के ऊपर जल्दी जल्दी डैमेज पड़ेगा, जिससे कि एनिमी जल्दी खत्म हो जाएगा। सो ये थे गाइस आज के हमारे 4 बेस्ट रसिंग कॉम्बिनेशन, जिसको आप लोग क्लैश स्क्वाड या फिर बैटल रॉयल किसी भी मोड के अंदर यूज कर सकते हो, और इसको आप लोग अपडेट से पहले और अपडेट के बाद दोनों ही टाइम पे यूज कर सकते हो, बेनिफिट आपको हमेशा मिलेगा। ये थे गाइस आज का हमारा वीडियो और कॉम्बिनेशन, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर देना, और ऐसे और भी कमाल के वीडियोस को देखने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब अगर आपको वेपन ग्लोरी पुश करने के लिए बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो आप लोग लेफ्ट वाले वीडियो को चेकआउट कर लेना, और अगर आपको बैटल रॉयल के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन जानना है तो आप लोग राइट वाले वीडियो को चेकआउट कर लेना।